हेलो एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में हम जो हिंदी की जो मात्राएं इंट्रोड्यूस होते हैं बच्चों को, उन मात्राओं में से छोटी ई और बड़ी ई के जो मात्रा है, इन दोनों मात्राओं के अंतर हम लोग भेद हम लोग जानेंगे। इन दोनों में क्या अंतर है, ये डाउट कैसे क्लियर होगी उनकी, चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। तो मैंने कुछ पहले वर्कशीट्स बना लिए थे, कुछ ऐसे वर्ड्स रिपीट करके लिखने के लिए ताकि उसका लर्न हो जाए, और फिर यहाँ पे कुछ और क्वेश्चनरीज मैंने बनाए थे, चित्रों का मिलान नाम से करें। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि डिफरेंसेस कैसे पता चलेगा बच्चों को, बच्चे डाउट में ना रहें। छोटी ई हम लोग ऐसे लिखते हैं और बड़ी ई ऐसे, ठीक है। इन दोनों में बहुत ही माइनर डिफरेंस है, उच्चारण में भी बहुत ही माइनर डिफरेंस है। चलिए कुछ डिफरेंसेस हम लोग नोट कर लेते हैं इनका। बच्चों को पहले ये डिफरेंसेस बताइए कि ये ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर है, और ये है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, ठीक है। और इसकी जो मात्रा है वो इस तरीके से लेफ्ट साइड में आती है ये, और इसकी जो मात्रा है वो राइट साइड में। बच्चों को आप कैसे लर्न करवाएंगे कि लेफ्ट साइड में, बेटा देखो लेफ्ट साइड हम लोग बहुत ही कम, लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा होता है वो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड बहुत कम यूज करते हैं, तो इसका जो उच्चारण भी है वो शॉर्ट है, ठीक है, कम समय लगता है। इसका जो उच्चारण है वो उच्चारण कम समय लगता है उच्चारण में, ठीक है। जैसे कि हम लोग जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग बहुत ही कम काम करते हैं, तो कम ऐसे आप उनको याद रखवा सकते हैं, ठीक है। और जो बड़ी की मात्रा है वो राइट हैंड साइड से हम लोग डालते हैं इसको, राइट हैंड साइड से, तो जो राइट हैंड साइड है उस हाथ से हम लोग कुछ ज्यादा काम करते हैं, तो ये इसका जो उच्चारण है, याद रखिए उच्चारण है, वो अधिक समय लेता है। मैं बताऊंगी कैसे अधिक समय लगता है, ठीक है, उच्चारण में कम समय लगता है और ये अधिक समय लगता है। एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाना चाहती हूँ। एग्जाम्पल, जैसे कि मैं लिखती हूँ गिरी, ठीक है, तो इसका जो उच्चारण है ना गिरी गिरी, ये देखो इसको थोड़ा एलैबोरेटली हम लोग बोलते हैं, अधिक समय लग रहा है गिरी और ये गिरी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, गिरी मतलब होता है पर्वत, हिल, ठीक है, और गिरी मतलब होता है फॉल, गिरना। डिफरेंसेस बहुत ही माइनर डिफरेंसेस है उच्चारण में भी और मात्रा में भी, तो इसको आप डिस्टिंग्विश करके बच्चों को समझाना जरूरी है। अब मैं लिखूंगी हरी, उच्चारण देख रहे हो, हरी, शॉर्ट पीरियड हरी। अब मैं लिखूंगी यहां पे हरी, हरी, हरी मतलब लॉर्ड विष्णु, ठीक है, हरी मतलब लॉर्ड विष्णु, और ये जो हरी है वो है ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर, ठीक है। अब तरणी, तरणी, तरणी मतलब सन, सूर्य, सन। अब मैं बोल लिखूंगी तरणी, उच्चारण देख रहे हो, तरणी, तरणी मतलब नौका या फिर बोट, ठीक है। ये माइनर डिफरेंसेस आपको बतानी है बच्चों को, अगर बच्चा बहुत छोटा है तो हाँ ये डिफरेंसेस करना उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बट ग्रेजुअली बाय क्लासेस जब उनको क्लास 2, 3, 4 में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा और मात्राएं और मतलब शब्द और वाक्यों के प्रयोग सारे जब समझाया जाएगा तब आप उनको इस हिसाब से समझाओगे, डिफरेंसेस कर सकते हैं। अब देखिए ये जो अक्सर हम लोग देखते हैं कि वाक्यों में या फिर शब्दों में की और की का यूज होता है, तो ये की जब मैम जब डिक्टेट करते हैं या फिर क्लास में हम लोग जब कोई वाक्य या फिर शब्द लिखते हैं तो उन वाक्यों या फिर शब्दों को जोड़ने के लिए की का यूज होता है, ठीक है। तो कौन से की कहां पे यूज करेंगे, ठीक है। मैं अगर लिखूंगी कि उसने, उसने कहा कि वह घर नहीं जाएगा, ठीक है, उसने कहा कि वह घर नहीं जाएगा। मैं और एक वाक्य यहां लिखती हूँ, राम की गाय, ठीक है, राम की गाय। तो यहां देखो, यहां डिफरेंस देख रहे हो, जब जब हम लोग दो वाक्यों को जोड़ते हैं, जब हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं तब छोटी ई की मात्रा यूज होता है, ठीक है, और जब हम लोग दो शब्दों को जोड़ते हैं, वर्ड्स को जोड़ते हैं, तब हम लोग बड़ी ई की मात्रा की प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैच द फॉलोइंग हो गया, ताकि वो चित्रों के साथ जान सकेंगे कि कौन सा चित्र कौन से शब्द से जुड़ना है, ठीक है। चित्रों का मिलान नाम से करें, चित्रों का नाम लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। कपिल डैश पढ़ रहा है, तो यहाँ पे मैंने किताब की फोटो मतलब किताब की पिक्चर बनाई हुई है, किताब,
छोटी बड़ी की मात्रा इस तरह से आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं।